शिव भक्त ने तो रिपोर्टर की बोलती ही बंद कर दी। धार्मिक आदमी कभी इंसानों से नफरत नहीं कर सकता। अगर कोई धर्म का चोला ओढ़कर नफरत फैला रहा है तो वह कुछ भी हो सकता है, मगर धार्मिक तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इस भोले को सुने और सीखें कि आस्था क्या होती है। ना बेटा भोले जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, आराम से आराम से। यहाँ तो यार मुसलमान की दुकान है, यहाँ नहीं भोले, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई है। तो यहाँ आपका जल अपवित्र नहीं होगा? ना ना भोले, सब मन का महल है और कुछ नहीं है। ऐसी कोई सी जगह जो शुद्ध हो, इस धरती पे कोई जगह ऐसी है जो शुद्ध हो? नहीं ना, मिल नहीं सकती। ये प्रशासन और सरकार तो कह रही है कि भैया पवित्रता आपका रखेगा, कोई मुसलमान के ठिए पर आप लुक लेंगे, चाय पी लेंगे, देखो आप अपवित्र, आप अपवित्र हो जाओ। ये अपने मन से पवित्र अपवित्र या जो भी है, ये सब मन का महल है और कुछ नहीं है बस। अच्छा। और कुछ नहीं है बस। तो ये सरकार तो आप ही कांवड़ यात्रा के लिए कहा कि भैया इनके लोग काफी पवित्रता से जाए, मुसलमान बड़ा डिस्टर्ब करते हैं। ना ना, ऐसे कोई दिक्कत, उनका धर्म भ्रष्ट कर देते हैं। ना ना, ऐसे कोई फिलहाल तभी कोई दिक्कत ना हुई। लेकिन देखो, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सब भाई भाई है। अगर मैं देख लगे, अगर एक हिंदू का हाथ पकड़ा दूँ आपको या आपको एक मुसलमान का हाथ पकड़ो, क्या आप बता दोगे हिंदू का कौन सा है मुसलमान का कौन सा? नहीं बता पाओगे ना। तो आदमी का मन से होता है भोले, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती। अरे यार, हम लोग भी सुने हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो यहाँ तो बैर का भाव ही, तो हम इसीलिए आप लोगों से पूछ रहे हैं। मजहब किसने बनाया? हम इंसानों ने बनाया ना। ये जब पहले जब धरती पर आए थे, क्या मजहब या कोई जाति वगैरह थी? नहीं ना, तो हम लोगों ने तो बनाया ये मजहब। कोई बिरादरी मोहम्मदन होगी, हिंदू है, कोई अलग अलग बिरादरी है, जो भी जाति तो मैं जानता भी नहीं, लेकिन सब हमने तो बनाई है। हमारा काम ये है कि दूसरे, जैसे हमारा मजहब है, हम दूसरे मजहब को भी इज्जत दें, ना कि किसी को ठेस पहुँचाए या किसी के बारे में गलत बोल लें। जब कोई हमें नहीं ठेस पहुँचा, हम सही सलामत जा रहे हैं, इतने बहुत बड़ी बात है, हम सही सलामत जा रहे हैं। मोमडन भाई जो है हमारे, वो वे भी साथ दे रहे हैं, मैंने देखा है पीछे भी। हाँ। वे साथ दे रहे हैं मेरा खूब। अभी मैं ट्रैफिक में यहाँ पर फंस गया था पीछे, उन्होंने खुद, मोमडन जो भाई थे उन्होंने बोले थे, उन्होंने सब ने साथ दिया, सब निकलवाया मुझे। क्या वे नहीं थे इंसान? अरे वो तो कह रहे हैं कि मुसलमान अगर इस जल को छू दे तो अपवित्र हो जाएगा, आप वहाँ चाय पी लो। तो ये हम नहीं कह रहे, ये सरकार की ऐसी मंशा है जो आदेश निकाला। आप देखो जब एक मिनट, अगर आप बिना नहाए या कुछ नहीं खाया, आपने जैसे कि नहाए, जैसे नहा धो लिए बिल्कुल, और कुछ खाया या नहीं, मतलब कुछ नहीं है बिल्कुल, अगर टच कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर जैसे कोई नहाए धोए नहीं या दुर्पान कर रहे कुछ।